आपके हिसाब से चीप एंड बेस्ट है बेस्ट और फूड दोनों आइटम में? दोनों आइटम में। अगर यहाँ की रैंकिंग आप देंगे कितनी रैंकिंग देंगे? मैं तो 10 में से 10 क्योंकि यहाँ का मुझे अक्सर मुझे क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ही पसंद है। सो हाय एवरीवन, मैं आपका अपना भाई आशिक। दोस्तों आज हम आपको लेकर कानपुर के सुरूप नगर में और आज हम आपको दिखाएंगे टी लॉजी यानी कि यहाँ पे टी की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और फास्ट फूड में भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ हैं। तो कस्टमर बहुत दूर दूर से आते हैं, काफ़ी फेमस प्लेस है ये कबाबी टुंडे जो है उसके जस्ट नीचे है टी लॉजी। तो इनके पास चाय फूड में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इनके पास, तो काफ़ी शौकीन लोग इनके पास आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, इन्जॉय करने आते हैं, फूड का टेस्ट लेने आते हैं। तो हम थोड़े लोगों से बात करेंगे, यहाँ की वैरायटी देखेंगे और भैया से बात करेंगे जो शॉप के ऑनर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर की तरफ बहुत शुरू करते हैं यहाँ से ब्लॉग। स्वप्निल मिश्रा, अच्छा अच्छा। तो भाई साहब आप ये जो टी लॉजी में चाय पीने आते हैं? हाँ, तो अक्सर आता हूँ जी। मैं यहाँ पे पेशे से एमआर हूँ और अक्सर आता हूँ, यहाँ का टेस्ट बहुत बढ़िया है। अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की टी है, कॉफ़ी है और यहाँ पे खाने के लिए फास्ट फूड है, जैसा कि वेज बर्गर मिल जाएगा, डोसा मिल जाएगा और सैंडविच मिल जाएगी। स्पेशली मैं तो कहूँगा आप लोगों से कि मसाला चीज़ सैंडविच ज़रूर ट्राई करिए, यहाँ की स्पेशलिटी है। प्राइस क्या उसके? प्राइस भी मतलब सही है आपकी बजट। फूड में आपने क्या क्या ट्राई किया? मैंने यहाँ पे देखिए सैंडविच ट्राई किया है, पाव भाजी ट्राई किया है और चाय की तो मैं हर वैरायटी ट्राई करता हूँ और स्पेशली मुझे पान टी बहुत उसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। हाँ, तो आता हूँ एक्चुअली, मैंने आपको बताया मैं प्रोफेशन मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जी, डॉक्टर से मिलने आता हूँ तो लेजर टाइम पे टी और ये कॉफ़ी एंजॉय कर लेता हूँ समय निकाल कर। मतलब आपके हिसाब से चीप एंड बेस्ट है बेस्ट और दोनों आइटम में? दोनों आइटम। अगर यहाँ की रैंकिंग आप देंगे कितनी रैंकिंग देंगे? मैं तो 10 में से 10 क्योंकि यहाँ का मुझे अक्सर मुझे क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ही पसंद है। तो ये लगाओ भैया का टी लॉजी का बोर्ड। मधुराज के पास में ही है तो मैं अंदर चल रहा हूँ, चल के थोड़ा सा इनका पहले सिस्टम देखेंगे। कुछ म्यूजिक को डेकोरेट किया हुआ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। पहले मंदिर की तरफ चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं। ये भैया बैठे हुए हैं, इनके पास चाय की भी वैरायटी 5-6 तरह की है। तो पुलवा चाय भी काफ़ी फेमस है, पान चाय भी इनकी काफ़ी फेमस है भैया की। तो ये भाई साहब सब बैठे हुए हैं चाय के वेट में बैठे हुए, तो रेगुलर आते हैं कंटिन्यू चाय पीने के लिए, तो अभी उनसे थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का ज़बरदस्त सिस्टम है। तो मैं पहले आपको यहाँ का एक तो वो पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर एक आध लोगों से बात भी करेंगे पास। तो पाव भाजी वगैरह भी है और पहले मैं दिखाऊँगा इनका किचन भी दिखाऊँगा मैं, तो भैया लोगों से बात करने कोशिश करें। मेनू कार्ड में आप देख सकते हैं इनके पास कौन कौन से आइटम हैं। हम बैठे हुए स्टेप पे टी लॉजी में, एक आध लोगों से बात भी कर रहे हैं, बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं मतलब कैमरे में नहीं बोलते हैं और तो वही चीज़ है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिव्यू लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी इतनी वायरल क्यों है, इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है कानपुर में। तो ड्रिंक के साथ साथ यहाँ पे फास्ट फूड भी है, ड्रिंक में आपको कॉफ़ी चाय मिल जाएगी और फास्ट फूड में काफ़ी वैरायटीज़ हैं। इनका मेन्यू कार्ड मैंने आपको अपने वीडियो मेंशन किया हुआ है। तो फास्ट फूड बहुत ज़बरदस्त है, दो तीन लोगों ने बात की और उन्होंने बताया कि फास्ट फूड इनका अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है मार्केट से। तो वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और चाय का टेस्ट जरूर लेंगे, क्योंकि खाना खा के आ चुके हैं, खाना नहीं खाया हो तो कुछ ना कुछ फास्ट फूड जरूर ट्राई करते हैं। इलायची है, कई सारे फ्लेवर है और ऑरेंज भी है, चॉकलेट भी है, मोस्टली हम लोग इलायची प्रेफर करते हैं। अच्छा, अच्छी चाय होती है, अच्छा एटमोसफेयर है। तो चाय के साथ साथ आपने यहाँ पे कुछ फूड वगैरह? फूड है, पिज्जा है।
और भी कई सारे स्नैक्स है। उसके बाद अंडर बजट होता है तो अच्छा लगता है, एटमोसफेयर अच्छा है, बैठ के सुकून से चाय पीते ऑफिस काम निपटाने के बाद। लगभग डेली आना होता है, बिल्कुल बेस्ट। नहीं, मैक्सिमम तो चाय पिया जाता है, बाकी खाने का तो इनका पिज्जा भी अच्छा है, इनका मोमो भी अच्छा है, इनका बर्गर भी अच्छा है, अच्छा फिलहाल इनका सभी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कानपुर के देखते हुए, यहाँ का परिवेश को देखते हुए, बैठने की सोसाइटी अच्छी बनाई है इन्होंने। टेस्ट अच्छा है, रेट कम है और बजट है, जो भी आदमी जाए तो कंफर्टेबली डेली आके अपना बैठ जाएगा। जैसे हम लोग शाम को डेली आते हैं और यहाँ एक घंटा तो बिताते हैं, वो डेली हमसे 1000 रुपये तो ले ही लेता है, चाहे जो खिला के ले, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। वो मेरा अकाउंट यहाँ खुला हुआ है तो इसलिए देना ही देना है, बिना दिए जा ही नहीं सकते। आपको पसंद है? बहुत ना पसंद होता तो आते ही क्यों। अच्छा, रेंज कितने देंगे आप? 10 में कितने देंगे? 10 में आउट ऑफ 10 दे देंगे। 10 में 10 में 10 में जब ये स्टोर यहाँ खुलने आया था तो इसका इंटीरियर हमारे पास आया था, लेकिन वो फिर कंपनी वालों ने खुद किया, मिला नहीं मुझे काम। उस दिन से डे वन से ही, जिस दिन से ओपनिंग है उस दिन से ही आता हूँ, और डेली शाम को 6 से 7 के बीच में यहाँ रहता हूँ। चाय बहुत ही अच्छी है, इलायची फ्लेवर हम लोगों का फेवरेट है, इलायची फ्लेवर, और कॉफ़ी भी अच्छी है, कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छी है, पिज्जा खाने में पिज्जा अच्छा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मोमोस अच्छा है, तो लगभग सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। एसी लगा हुआ, अंदर बैठ जाइए, बाहर बैठने की भी जगह है, बाहर भी बैठ सकते हैं, मतलब जिस तरीके का आनंद लेना हो तो उस तरीके का आनंद आप ले सकते हैं। प्राइम लोकेशन है, फास्ट फूड अच्छा है, पिज्जा वगैरह बढ़िया है, बहुत अच्छा है। पिज्जा खा चुके, मोमोज खा चुके, सैंडविच खा चुके, पाव भाजी खा चुके, सब कुछ बढ़िया है। नहीं, टेस्ट अलग है, टेस्ट अलग है, बिल्कुल टेस्ट अलग है, रेसिपी बिल्कुल अलग है, जो दूसरे लोगों के पास है इनके पास अलग है, बेस्ट है। 10 out of 10। तो वैरायटी तो है लेकिन क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है और रेट बहुत जेन्युइन है। तो आप टाइम पास करने आ सकते हैं, घूमने फिरने आ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो जगह बहुत कंफर्टेबल है बैठने के लिए, तो इंजॉय भी कर सकते हैं और अच्छा सा खा सकते हैं। तो फूड भी बता रहे हैं एकदम बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट में है, तो उनकी रेसिपी अलग है, रेसिपी अलग है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट टेस्ट होगा। तो कस्टमर आता है, रेगुलर आ रहा है, शाम को 1-2 घंटे टाइम दे रहा है यहाँ पे और इन्जॉय कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ़र्क है। तो आइए विजिट कीजिए, बहुत ज़्यादा। भाई हमारे यहाँ की चाय फेमस है ज़्यादातर, और चाय में कौन सी ज़्यादा चाय फेमस है? अदरक इलायची, अदरक इलायची मतलब ज़्यादा, जो हमारी ज़्यादा चाय निकलती है अदरक इलायची। और बाकी फ्लेवर में भी चाय है, रोज़ चाय, अदरक चाय, मसाला चाय, चॉकलेट चाय, रोज़ चाय, और बहुत सी 2-3 तरीके से और चाय। तो आपकी फेवरेट, जो यहाँ की ज़्यादा फेमस फ्लेवर है वो कौन? फ्लेवर है भैया मतलब लोग वो रोज़ चाय मांगते हैं, ठीक है, उसके बाद जो मतलब नॉर्मल चाय में जो बता रहा है अदरक इलायची। कुछ में भी भैया बटर टोस्ट है, बन बटर वगैरह है, मोमोज है, पाव भाजी है, पनीर पाव भाजी, पास्ता है, पिज़्ज़ा वगैरह, कॉर्न है, और भी मस्का बन वगैरह, गार्लिक ब्रेड वगैरह, सैंडविच है, कुल्हड़ पिज़्ज़ा हमारे नया आया अभी, और बर्गर वगैरह है। तो भाई साहब से कर ली हमने बात, भाई साहब ने बता दी अपनी वैरायटी क्वालिटी और क्या क्या आइटम बेचते हैं। अब हम चाय का टेस्ट करेंगे, तो भैया बता रहे हैं कि इलायची फ्लेवर की जो चाय है बहुत ज़बरदस्त है, वही पिलाएंगे हम। चाय बत्ती है, ये शक्कर है भाई, ये इलायची है भाई, ठीक है, इलायची और भैया हमारे लिए बना रहे हैं दो चाय। अब ठीक है, जरूर टेस्ट लेके बताएंगे आप चाय डाल लें। ये अदरक है भाई, अदरक का पेस्ट डाल लें। तो इलायची के साथ साथ अदरक भी पड़ रही है, अदरक इलायची। तो चाय हो गई है तैयार हमारे लिए, जबरदस्त, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आगे हमारे लिए बटर और बन और चाय टेस्ट करते हैं, बताते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट लगा, बहुत बढ़िया। मक्खन बन बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट है। हम खाते अभी हम चाय पीते हैं, चाय पीते बताते हैं। अच्छी अच्छी है चाय, और बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट है। चाय बहुत अच्छी पसंद आई,
पीर है तो फ्लेवर मालूम पड़ा है गाइस, तो आइए विजिट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ नाम ही नाम नहीं, वाकई क्वालिटी है, और क्वालिटी ऐसी है कि आएंगे तो फिर रेगुलर आना स्टार्ट कर देंगे, अपने दोस्तों यार को बताएंगे। तो क्या तुमको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त चाय है। तो दोस्तों हमने चाय का टेस्ट लिया, मक्खन बन खाया, दोनों अच्छे लगे, बहुत जबरदस्त लगे, और हम देंगे 10/10, मतलब 10 में 10 देंगे। आप भी आइए, विजिट कीजिए, खाइए, फिर बताइए एटीलॉजी क्या है, क्या खासियत है, वायरल है तो क्यों है। इतना ज़्यादा फेमस है क्यों है? बहुत इजी है, बहुत इजी लोकेशन है। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और चैनल पे आप मेरे नए हैं सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दिएगा। मैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर, कुछ जबरदस्त लेके, जब तक ख्याल रखिएगा, इस पर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।